हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग 13 चैप्टर जो है 10th क्लास का कर रहे हैं, एक्सरसाइज 13.2 जो है हम लोग कर चुके हैं। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है हमारे पास एक्सरसाइज 13.3 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्या बोलते हैं, अ मेटेलिक स्फीयर। तो अब यहाँ पर आपके पास स्फीयर है, मतलब एक गोला है। तो उस गोले को क्या किया, उस गोले को उन्होंने पिघलाया और पिघला के एक सिलेंडर मतलब बेलन बना दिया। तो अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब कभी भी आप लोग एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हो, तो उसका जो वॉल्यूम है मतलब उसका जो आयतन है वो आयतन बराबर रहेगा। तो आपको करना क्या होता है, जब कभी भी एक सॉलिड को मेल्ट करके या पिघला के आप किसी दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो दोनों के जो आयतन है, उन आयतन मतलब वॉल्यूम जो है, उनको आपने इक्वल रखना होता है, इक्वल बराबर जो है वो रखना होता है। उसके बाद जो भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया गया होगा वो कैलकुलेट आपने करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, अ मेटेलिक स्फीयर। तो स्फीयर आपके पास मतलब एक गोला है, हमने यहां गोला बना लिया। इस गोले को उन्होंने कन्वर्ट किया किसमें, सिलेंडर में, मतलब एक बेलन में उन्होंने कन्वर्ट किया। तो यहां से हमारे पास बेलन हमने बना लिया, इस गोले को इन्होंने बेलन पे बना लिया। और क्या दिया हुआ है, इस बेलन की जो त्रिज्या है मतलब इसकी जो आर है दैट इज 4.2 सेंटीमीटर, और जो आपके पास बेलन है इसकी त्रिज्या जो है वो आपके पास है 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हम लोग लेट सपोज कर लेते हैं इसकी हाइट जो है वो है एच, ठीक है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन था मैंने यहाँ फिगर में आपको बना दिया है, फिगर आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब गोले का आयतन और जो बेलन का आयतन है दोनों को बराबर रखेंगे, वहां से एच की वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर मतलब गोले की त्रिज्या। आपके पास दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमारे पास फॉर्मूला क्या जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, बाद में इक्वल में रखेंगे, उसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो इसे हिंदी में हम लोग लिखेंगे गोले का आयतन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी सिलेंडर की मतलब बेलन। तो बेलन का आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया बेलन की त्रिज्या आपके पास दे रखी है 6 सेंटीमीटर, हम लोग यहां लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। तो इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर। उसके बाद लेट हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर हम एच मान लेते हैं, क्या मानेंगे बेटा, माना बेलन की ऊंचाई, तो एच हमने सेंटीमीटर मान लिया। सो अब इसके बाद हमें पता है क्या, पता है गोले का आयतन बराबर होगा जो आपके बेलन है बेलन के आयतन के बराबर। चलिए हिंदी में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो अब हम क्या करेंगे, दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं, देयरफॉर। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में बेलन का आयतन देखते हैं, बेलन का आयतन है पाई, दोनों का आर डिफरेंट है इसलिए हम लोग आर को अलग ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से दोनों साइड से जो वैल्यू कैंसिल होनी है हम पाई पाई दोनों साइड से कैंसिल कर लेते हैं, आपके पास बचा है 4/3 इंटू आर क्यूब। अब देखिए आर कितना, गोले का, तो गोले की त्रिज्या कितनी थी आपकी 4.2, तो आप लोग लिखेंगे 4.2 × 4.2 × 4.2, तीन बार हमने लिख दिया है। इधर देखते हैं हमारे पास आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी थी, यहां पर थी 6, तो हम लोग लिख देंगे
छ गुना में छ और गुना में एच। तो आपको क्या करना है, ये h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले यहां देखते हैं अगर कुछ हमारे पास कैंसिल हो जाता है तो इसका पॉइंट हटा लेते हैं, यहां से भी और यहां से भी। तो हमने सबके पॉइंट यहां से हटा लिए, तो ये जो तीन से कैंसिल हो जाएगा, तीन एकम तीन, एक तीन चौके बारह, तो ये आपके पास चौदह हो गया। अब यहां से क्या करते हैं, जो सिक्स इंटू सिक्स है इसको डिवाइड में लेके आते हैं, एच वहीं पर रह जाएगा। तो क्या जाएगा बेटा, फोर इंटू फोर्टीन इंटू फोर्टी टू इंटू फोर्टी टू अपॉन में आपके पास है 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। अब यहां से ऊपर आपसे 6 गुना 6 आ गया और बराबर में क्या रह गया, h। तो यहां से 6 को काट देंगे, 6 कम 6 सच्चिक 42, 6 कम 6 सच्चिक 42। तो आपके पास अब ये जो आपके 10 इंटू 10 इंटू 10 है, आपको इसको कटिंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसका सिंपल आपका पॉइंट लग जाएगा। तो इसको देख लेते हैं मल्टीप्लाई, चार चुके 16 कैरी। तो चलिए अब हम लोगों ने कैलकुलेशन करेंगे, चार चुके 14 को 400 गुना करेंगे, आपके 56 आ जाएगा, 7 इंटू 7 49 आ जाएगा। अब 56 को 49 से आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आएगा 2744 डिवाइड बाय 1000। सो इसका पॉइंट लगाएंगे तो आपके पास 3 के बाद पॉइंट, 1 2 3 के बाद पॉइंट, 2744 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास ऊंचाई आ गई, किसकी, बेलन की ऊंचाई, 2744 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहां पर बेटा गोले हैं, कितने गोले हैं, तीन गोले हैं, कौन कौन से, एक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, दूसरे की 8 और तीसरे की 10 सेंटीमीटर। सो 6, 8 और 10, तो इनको उन्होंने क्या किया, पिघलाया और पिघला के एक बड़ा गोला बनाया। तो आपने क्या बताना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो जो नया गोला बना है, जो बड़ा गोला बना है, उस बड़े गोले की त्रिज्या क्या है आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं पहले फिगर, आपके पास एक छोटा गोला है जिसकी त्रिज्या है आपके पास 6 सेंटीमीटर, और दूसरा इससे बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, उसके तीसरा गोला है उससे बड़ा जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। इनको पिघला के उसने एक बड़ा गोला बना लिया, मैं इसको नीचे बना ले रहा हूं, एक बड़ा गोला जिसकी त्रिज्या में मान लेता हूं, सपोज कर लेते हैं बड़ा, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने इन तीनों गोलों को पिघला के एक नया गोला बनाया। तो अब मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर लेता हूं। आप लोग पहले लिख लेंगे, पहले गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो चलिए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिगेस्ट स्फीयर, ठीक है। मतलब पहले गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन और तीसरे गोले का आयतन बराबर क्या होगा, सबसे बड़े वाले गोले का आयतन। तो सबसे पहले देखते हैं पहले गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए छोटे वाले का सबसे पहले की त्रिज्या है 6, तो हम लोग यहां लिखते थे 6 का क्यूब प्लस बड़े अगले वाले की त्रिज्या है 8, तो 4/3 पाई और 8 का क्यूब हो गया आपके पास, प्लस में नेक्स्ट का वॉल्यूम 4/3 पाई 10 का क्यूब, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है 10, और ये सब मिला के आपके पास बड़ा गोला। तो बड़ा सबसे बड़े गोले की हमने त्रिज्या ली है 8, तो इसका मतलब 8 का क्यूब, ठीक है। तो इन तीनों गोलों का आयतन इस गोले के आयतन के बराबर हो गया। तो अब हमने क्या करना है, यहां से कॉमन देखते हैं, इन तीन में से एक रकम देखनी है हमने कॉमन, तो कॉमन देखते हैं, यहां से 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई तीनों में आ रहा है बेटा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 4/3 पाई यहां से कॉमन, तो अंदर क्या रह गया, 6³ + 8³ + 10³ = 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब, ठीक है। अब दोनों साइड से देखते हैं, 4/3 दोनों साइड से कैंसल, पाई दोनों साइड से कैंसल, तो अब आपके पास बचा है 6³ + 8³ + 10³ बराबर में आर क्यूब। तो अब क्या करेंगे, हम इनका क्यूब कर लेंगे, देखते हैं क्यूब इनका क्या है। तो चलिए अब देखते हैं, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा बेटा, 8 का क्यूब करेंगे 512 होता है, और 10 का क्यूब आपके पास 1000 होता है। अब इन तीनों रकमों को जब आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास आएगा 1728। अब r क्यूब बराबर 1728, यहां का क्यूब है इधर आके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 1728। जब आप 1728 का जो घनमूल निकालेंगे बेटा, घनमूल निकालेंगे तो आपके पास उत्तर आएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो बड़ा वाला गोला है इसकी त्रिज्या आपके पास क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड देखिए क्या बोलते हैं, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग, द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले आपके पास एक कुआं है, चलिए मैं यहां पर कुआं बना लेता हूं। देखिए कुआं जो है आपका वो बेलन के आकार का होगा हमेशा, तो आपने यहां पर लेना है ये बेलन के आकार का कुआं है। तो अब जब इसे खोदेंगे, इसमें से खोदेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो आयतन है, आयतन मतलब इसका वॉल्यूम, आपकी जो मिट्टी निकली है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वेल, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो आपके क्या दिया हुआ है 20 मीटर डीप, तो डीप का मतलब गहराई का मतलब क्या है, इसकी ऊंचाई, ये आपको दिया है 20 मीटर। वेल विद द डायमीटर 7 मीटर, तो इसका जो डायमीटर है वो आपको दिया है 7 मीटर। सो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं इसकी त्रिज्या और इसका ऊंचाई। तो लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 7 मीटर। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, बेलन या कुएं की त्रिज्या बराबर है 7 मीटर। सो त्रिज्या हमने निकाली है, तो त्रिज्या को हम 7/2 लिख लेते हैं, क्योंकि ये आपके पास कितना दिया था, व्यास दिया था। तो इंग्लिश में मैं इसको क्या लिख दूंगा बेटा, रेडियस लिख दूंगा, स्मॉल r लिख लेता हूं। तो आपके पास रेडियस हो गया, और इसके बाद हम लिख देते हैं इसकी हाइट। सो हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू, आपके गिवन है 20 मीटर, तो यहां से मैं लिख लेता हूं 20 मीटर। ठीक है, तो अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिग फ्रॉम वेल, क्या लिखेंगे, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, अब देखिए कुआं जो आपका बेलन के आकार का है, तो जो आयतन रहेगा वो आपके क्या रहेगा, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, तो मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं। तो चलिए पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग पुट कर लेते हैं, आर की वैल्यू आपके पास है 7/2, तो 7/2 आपके पास आ गया, इंटू आर स्क्वायर था 7/2 और एच आपके पास था 20, तो मैंने पुट कर लिया। यहां से कैंसिल कर लेते हैं बेटा 7 से 7, यहां से कर लेते हैं 10 और इसको यहां से 2 से 11, सो 11 × 7 × 10, तो 11 × 77 और 0 लगाए तो सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ गया, जो कुएं से निकली मिट्टी है उसका आयतन। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमने पूरा कर लिया, अब देखिए उसने किया क्या, उसके बाद बोल रहा है इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। तो उसे एक चबूतरा बनाया हुआ है जिसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई 22 दी है, चौड़ाई आपको 14 दी है, तो आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो यहां से बेटा प्लेटफॉर्म बेसिकली बनेगा कैसा, आपके घनाभ के आकार का प्लेटफॉर्म बनेगा। सो इसकी आपने क्या निकाला, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाली है। तो देख लेते हैं हाइट लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपके पास दिया 22 मीटर, तो हिंदी में लिख देंगे बेटा चबूतरे की लंबाई बराबर 22 मीटर, ऐसे आप फिर चौड़ाई लिख देंगे, चौड़ाई आपके पास कितनी है 14 मीटर, चौड़ाई मतलब इसकी ब्रेथ। तो इसके बाद आप क्या ले लेंगे, इसकी ऊंचाई ले लेंगे, लेट हाइट ऑफ चबूतरा, हाइट मतलब ऊंचाई हमने मान लिया एच। तो अब ये जो बना है, सो अब जो मिट्टी का आयतन होगा बेटा वो होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्यों, क्योंकि ये जो है एक घनाभ के आकार का है, तो इसका आयतन हो जाएगा चबूतरे का आयतन या चबूतरे पर फैलाई गई मिट्टी का आयतन बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सो वैल्यू पुट करते हैं 22 × 14 × h, ठीक है इतना। अब देखिए मुझे ये पता है, क्या पता है कि कुएं से निकली मिट्टी, क्योंकि अब देखिए ये मिट्टी निकाल के हमने चबूतरे में फैलाई है, तो इसका मतलब क्या होगा, कुएं से जो मिट्टी निकली है उसका आयतन और जो चबूतरे में फैलाई मिट्टी है उसका आयतन बराबर होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे पर फैली मिट्टी का आयतन।
ठीक है, आप देखते हैं कुएं से निकली मिट्टी कितनी थी आपके पास, उसका आयतन मैंने निकाला था 770 सेंटीमीटर क्यूब, और चबूतरे पर जो फैली मिट्टी है उसका आयतन है 22 गुना में 14 गुना में एच। तो आपको क्या निकालना था, एच निकालना है, तो आप क्या करेंगे 22 गुना 14 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा 770 डिवाइड बाय 22 गुना में 14, तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे। अब देखते हैं डिवाइड कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा है, सबसे पहले देखते हैं 11 से 11 सत्ते 77 और 11 दुनी 22, फिर यहां से कट जाएगा 35 दुनी 70 और 2 एकम 2, तो अब आपके पास बचा है 35 बटे में 14 बराबर में h। तो अब आप क्या कर सकते हैं, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 दुनी 14 और 7 बजे 35, तो अब फिर आपके पास आगे 5 बटे में 2, तो इस 5 बटे 2 को आप डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 2.5। अब देखिए ये जो बाकी सब चीजें हैं, यूनिट जो है मीटर में, तो आपने यूनिट लगाना है 2.5 मीटर। तो जो आपका चबूतरा आपने बनाया है, मींस जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, उसकी जो हाइट आएगी आपके पास आएगी 2.5 मीटर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 40 मीटर डीप। तो सबसे पहले अगेन आपके पास क्या है, एक कुआं है बेटा, तो कुआं मैं यहां पे बना लेता हूं, इस कुएं को आपने खोद दिया, जो इसका डायमीटर है मतलब व्यास है वो आपके पास दिया 3 मीटर, और जो इसकी ऊंचाई है जितनी गहराई तक इसको खोदा है वो खोदा है हमने 14 मीटर। तो इसको खोदने के बाद क्या किया हमने, इस मिट्टी को निकाल लिया, और इस मिट्टी को निकाल के क्या किया, इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके आसपास हमने फैला दिया। ठीक है, अब कैसे इसको देख लेते हैं हम लोग, इसको मैं ऊपर वाले हिस्से को यहां बना लेता हूं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter. तो देखिए ये जो चौड़ाई है आपके पास ये है 4 meter. ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है, to form the embankment, find the height of the embankment. तो ये जो चबूतरा इन्होंने बनाया है इसकी जो चौड़ाई है बेटा वो है 4 मीटर। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है कितनी ऊंचाई तक जो है मिट्टी फैलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोबारा से वही कर लेते हैं, जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले है आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर, आपके पास गिवन है 14 मीटर। तो हिंदी में आप चाहे तो लिख दीजिए कुएं की ऊंचाई, चाहे आप लिख दीजिए बेलन की ऊंचाई। तो अभी मैं फिलहाल लिख लेता हूं बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई आपके 14 मीटर हो गई। अब बेलन की त्रिज्या देखते हैं, बेलन की त्रिज्या मतलब रेडियस। अब रेडियस देखिए, इसको मैं आर लिख लेता हूं, रेडियस आपके पास था 3 मीटर अपॉन 2, सो 3 अपॉन 2 मीटर आपके पास आ जाएगा। व्यास को हम लोग आधा कर देंगे, तो आपके पास त्रिज्या यहां से आ गई है। अब देखते हैं इसके जो मिट्टी निकली है उसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेक मतलब कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला आपके पास पाई आर स्क्वायर एच आप लोग लगा देंगे। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां से पाई की वैल्यू को कैलकुलेट जो है वैल्यू पुट नहीं करूंगा, बाकी वैल्यू पुट कर लेता हूं। तो क्या जाएगा आपके पास, आपके पास जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना है 3/2 × 3/2 इंटू एच। अब एच आपके पास था 14, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 14, तो इसको कटिंग कर लेते हैं 7, तो यहां से 7 या 21, 21 या 63 अपॉन में 2 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ये आपके पास आ गया, जो आपने जो कुआं खोदा है उस कुएं से जो खोदी गई मिट्टी है उसका जो आयतन है वो आ गया पाई गुना 63/2 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इस फिगर पे। देखिए यहां पर जो आपके पास अंदर का था वो था 3/2, ठीक है, और बाहर का था 4। तो अगर टोटल बड़ा आर की बात करें तो बड़े आर के आप देख लेते हैं, बड़ा आर बराबर 3/2 + 4, ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया आपके पास 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 8, सो 3 + 8 मतलब 11/2 मीटर आपके पास बड़ा आर आ गया। ठीक है, अब देखिए आपने एक फॉर्मूला किया था कि जब आप लोग एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम, मतलब अगर आप क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करते हैं तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनता है, आयतन का फॉर्मूला बनता है। तो अब आप
13.1 पे आ जाइए, 12.1 पर। तो उसमें आपने अगर ये वाला एरिया आप निकालना चाहते हो, क्योंकि देखिए मिट्टी जो फैलाई होगी वो आप कहाँ फैलाएंगे, आप कुएं के अंदर तो डालेंगे नहीं, चबूतरा आपके पास बना है यहां से लेके यहां तक का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस एरिया का, ये जो बीच वाला एरिया है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहां पर चबूतरे पर फैलाई मिट्टी का आयतन मिट्टी का पहले क्षेत्रफल देख रहे हैं, पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। अब देखिए छोटा आर इसमें कितना रहेगा, छोटा आर रहेगा आपका 3/2 और बड़ा आर क्या रहेगा 11/2। तो मैं यहां पे वैल्यू पहले पुट कर लेता हूं, पाई कॉमन आपके पास आएगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। चलिए अब मैं क्या करता हूं, ऊंचाई को भी मान लेता हूं। माना चबूतरे की ऊंचाई बराबर एच, तो क्या लिखेंगे बेटा, लेट हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट इक्वल्स टू एच, और ये हम मीटर में ले लेते हैं। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, जो एरिया था एरिया को हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, मींस पाई ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इनटू एच आपके पास आ जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हम दोनों वैल्यू को बराबर जो है रख लेते हैं। तो यहां का वॉल्यूम, यहां का जो कुएं से निकली मिट्टी था उसका वॉल्यूम था पाई इंटू 63/2 इक्वल्स टू में पाई इंटू, यहां देखते हैं बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, तो बड़ा आर स्क्वायर आपके पास था 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर और इसके साथ में गुना में एच। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 का स्क्वायर 121/4 और 3 का स्क्वायर 9/4। तो पहले पाई पाई कैंसिल, यहां से आपके पास हो गया 63/2 बराबर में ब्रैकेट के अंदर है 121/4 माइनस 9/4 और गुना में एच। तो इन दोनों का एलसीएम 4 आ गया, तो आप लोग माइनस कर लेंगे 63/2 इक्वल्स टू में 4 एलसीएम लेके 121 माइनस 9 और गुना में एच, ठीक है। अब देखते हैं बेटा 121 में से 9 माइनस कर लेते हैं, तो आपके पास 3/2 बराबर या 11 में से 9 गया, आपके पास 2 बच गया और कितना बचा 1, तो आपके पास हो जाएगा 12 और 9 21 112/4 गुना में एच, ठीक है। अब कैलकुलेशन देख लेते हैं बेटा, ये जो 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 112 नीचे आ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 63 × 4 डिवाइड बाई 2 × 112 इक्वल्स टू एच। तो कटिंग कर लेते हैं, 2 × 4 तो 112 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, हम लोग 7 से इसको कर लेते हैं, 7 × 7 4 बच गया 7 × 6 = 42 और 7 × 9 = 63, ठीक है। अभी आपके पास 16 आ गया, फिर इसको कटिंग कर लेते हैं, 2 × 16 तो आपके पास हो गया 9/8। तो 9/8 को आप लोग डिवाइड कर लेंगे, ये आपके पास आएगा 1. तो आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे 1.125 मीटर। तो आपके पास क्योंकि हाइट निकालनी थी, हाइट सब कुछ यूनिट आपके पास मीटर में था, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.125 मीटर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोलता है अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर फुल ऑफ आइसक्रीम। तो अब सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास एक बेलनाकार एक बर्तन है और वो पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास व्यास है 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी हुई है आपके पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि इसके अंदर जो आइसक्रीम है वो कितनी है। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर, फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या लिखेंगे हिंदी में, बेलन में भरी आइस क्रीम का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए मैं इसमें से पाई की वैल्यू को नहीं छेड़ूंगा, आर और एच हम लोग लिख लेते हैं। सो देख लेते हैं क्या आएगा आपके पास फॉर्मूला,
पाई को रहने देते हैं आर। अब आर देखिए टोटल 12 था, आर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो मैं लिख लेता हूं 6 × 6 × h, एच था आपके पास 15। ठीक है, तो अब इसको गुना कर लेते हैं, 15 × 6 = 90 और 9 × 6 = 54, तो आपके पास हो जाएगा 540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि एक जो इसके अंदर जो आइसक्रीम भरी थी उसका टोटल जो वॉल्यूम है वो कितना था। होप सो इतना आपको समझ में आ गया, अगर इतना समझ में आ गया तो फिर हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए तो अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन टू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। सो इस आइसक्रीम को हमने क्या करना है, एक कोन के अंदर भरना है जिसका जो डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर आपके पास है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसकी जो हाइट है, हाइट आपके पास दी है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट दी आपके पास 12 सेंटीमीटर। सो क्या किया, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और इसके ऊपर एक अर्ध गोलाकार भी है। देखिए आइसक्रीम खाने जाते हैं ना हम लोग, आइसक्रीम वाला ऊपर तक घर के देता है, तो उसने क्या किया है, आइसक्रीम को पूरा कोन के अंदर भी भरा हुआ है और ऊपर हेमिस्फेयर भी भरा हुआ है। सो अब हमने क्या निकाला, हमने निकाला है कि एक जो आइसक्रीम कोन है उसके अंदर कितना जो है आइसक्रीम भरी जाएगी। तो चलिए लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फिल्ड इन कोन, तो क्या लिखेंगे बेटा, शंकु में भरी आइस क्रीम का आयतन। अब देखिए इसका टोटल आयतन देख लेते हैं, टोटल आयतन क्या हो जाएगा, सबसे पहले शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, तो दैट मींस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो